दोस्तों पार्क में जाकर, घर के आसपास, स्कूल में, मॉल में, हम जहां भी जाते हैं हमें बहुत सारी उत्साहित करने वाली चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी आसमान की तरफ देखा है कि वहां पर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम अपना एडवेंचर बना के उसके बारे में नई नई जानकारी हासिल कर सकते हैं, जैसे कि रेनबो, सन, क्लाउड्स। और इस बार हमारे दोस्त सुपरबडी की नजर पड़ी है बर्ड्स पर। उन्होंने देखा आसमान में उड़ते हुए बर्ड्स को और मिस एम को बोला कि मिस एम, क्यों ना इस सप्ताह हम बर्ड्स के ऊपर एक्सप्लोर करें और जानकारी हासिल करें। तो दोस्तों इस सप्ताह का हमारा थीम है बर्ड्स। हम लेकर आए हैं आपके पास एपिसोड 1। इसमें हम जानकारी हासिल करेंगे बर्ड्स के नेस्ट्स के ऊपर। तो चलिए बिना किसी देर के आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं एपिसोड 1। आज का हमारा एडवेंचर शुरू हो रहा है सुपरबडी के बैल्कनी से। सुपरबडी अपनी बैल्कनी में बैठकर हाथ में एक चीज पकड़कर आसमान की तरफ देख रहे हैं और मिस एम उनसे पूछते हैं, सुपरबडी क्या ये तुम्हारे हाथों में बाइनोकुलर्स हैं? हाँ मिस एम, मेरे हाथ में बाइनोकुलर्स हैं और मैं इनसे बर्ड्स देख रहा हूँ। ओह बहुत अच्छी बात। अच्छा ये बताओ कि अब तक तुमने कौन कौन से बर्ड्स को देखा? मिस एम, मैंने देखे 3 स्पैरोज, 4 क्रोज, 5 पिजन्स और एक बहुत ही सुंदर पैरेट। अरे वाह, इतनी थोड़ी सी देर में तुमने इतने सारे बर्ड्स देख लिए? चिड़िया, कौवे, कबूतर और तोता। हाँ मिस एम, देखिए देखिए मिस एम, ये जो पिजन है ये अपनी बीक यानी कि चोंच में एक छोटी सी टहनी लेके जा रहा है। हाँ देखा मैंने। क्या तुम ये जानते हो कि पिजन यानी कि कबूतर इस टहनी का क्या करेगा? नहीं मिस एम, मैं तो नहीं जानता हूँ लेकिन जानना चाहता जरूर हूँ। क्या आप मेरे साथ इस बारे में और जानकारी हासिल करेंगी? जरूर। तो आओ शुरू करते हैं हमारा आज का एडवेंचर। और उससे पहले हम लोग क्या बोलेंगे? लेट्स अनलीश द पावर ऑफ क्यूरियोसिटी। देखो सुपरबडी, क्या तुम ये देख रहे हो कि इस कबूतर ने यहाँ इस दीवार के छोर पर बहुत सारी टहनियां इकट्ठी करके अपना घोंसला बनाया है? मिस एम, क्या ये सच में इसका घोंसला है? हाँ हाँ सुपरबडी, ये एक कबूतर का घोंसला ही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है मिस एम? मैंने तो सुना था कि पंछी अपने घोंसले पेड़ों पर बनाते हैं। आओ इसके बारे में हम लोग और जानकारी हासिल करते हैं क्यू बुक से। अच्छा बताओ क्यू बुक में क्या लिखा है? क्यू बुक में लिखा है कि अलग तरह के पंछी तरह तरह के नेस्ट बनाते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से उसमें अपना परिवार पालते हैं। बर्ड्स यानी कि पंछी अपने घोंसले बनाते हैं पेड़ों पर, झाड़ियों में और कई बार तो बेल या लताओं पर भी। और मिस एम, इसमें ये भी लिखा है, ईगल यानी कि चील अपना घोंसला सबसे ऊंचे वाले पेड़ पर बनाता है और हमिंग बर्ड जो कि बहुत छोटी सी नन्ही सी चिड़िया होती है वो तो कहीं भी किसी भी पेड़ की डाल पर अपना घोंसला बना लेती है। हाँ मिस एम, मैंने एक बार वीवर बर्ड का नेस्ट देखा था जो कि एक पेड़ की टहनी से टंगा हुआ था। मैं सोच रहा था कि उसने क्या उसको फेविकॉल से चिपकाया है। हा, नहीं, उसने वो घोंसला अपने आप बनाया है, लेकिन दाद देनी पड़ेगी तुम लोगों की नॉलेज की। अच्छा अब ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है पंछी अपने घोंसले किस चीज से बनाते हैं और क्यों बनाते हैं? मिस एम, मुझे लगता है कि जैसे हम लोगों के पास घर होता है अपनी फैमिली के लिए और वहाँ पे रहने के लिए, उसी तरह चिड़िया, तोते, पिजन ये सब लोग नेस्ट बनाते हैं अपने परिवार के लिए ताकि वो अपने बच्चों को वहाँ पर रखकर उनकी देखभाल कर सकें। बिल्कुल वैसे ना मिस एम जैसे हमने मदर्स एंड बेबीज थीम में देखा था। लेकिन एक चीज जो मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है मिस एम, वो ये है कि चिड़िया पंछियों के हाथ तो होते नहीं है, तो फिर ये लोग अपना घोंसला कैसे बनाते हैं?
मैंने देखा है मिस एम, ये लोग अपना घोंसला अपनी चोंच के साथ, अपने पंजों के साथ बनाते हैं और कोई भी टूल इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो क्या तुम ये कह रहे हो कि ये लोग ईंट और सीमेंट इससे अपना घोंसला नहीं बनाते हैं? नहीं नहीं, क्यू बुक में लिखा है कि पंछी अपना घोंसला नेचुरल मटेरियल से बनाते हैं, जैसे कि घास, टहनियाँ, सूखे फूल, पत्तियाँ और कभी कभी थोड़ा कुछ कुछ वो घास फूस के तिनके लाकर भी बनाते हैं। अच्छा, ये देखो दोस्तों, ये हैं कुछ चित्र अलग अलग तरह के पंछियों के घोंसलों के। मिस एम, हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग एक बर्ड्स नेस्ट बनाएं, क्या आप हमारी मदद करेंगी? ब्रिलियंट आइडिया टीम, क्यों नहीं, आओ हम लोग शुरू करते हैं अपने फेवरेट लूज पार्ट के साथ। तो हमें चाहिए कुछ टहनियाँ, थोड़ी सी घास, थोड़े से पत्ते, थोड़ा सा धागा, और शुरू हो जाइए, इनको एक साथ वीव करिए, जैसे कि हम लोग उसको जोड़ रहे हैं, निट कर रहे हैं, और घोंसला तैयार। देखिए देखिए मिस एम, बताइए मेरे घोंसला कैसा लग रहा है, और मैंने इसको एक बिल्कुल रियल टच देने के लिए कुछ अंडे भी रख दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि तुम सब लोग अब घोंसलों के आर्किटेक्ट बन गए हो। मुझे तुम्हारा घोंसला बहुत ही मजबूत और आरामदायक लग रहा है सुपर बडी। थैंक यू मिस एम, द बर्ड्स नेस्ट इन्वेस्टिगेशन, और ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है ये बहुत ही एक्साइटिंग था। देखिए मेरा क्यू मीटर भी मेरे साथ अग्री कर रहा है। केयरगिवर लर्नर से ये जानकारी हासिल करें कि क्या उन्होंने कभी किसी पक्षी का घोंसला देखा है। अगर हाँ, तो कॉन्वर्सेशन के द्वारा ये स्थापित करें कि एक घोंसला बनाने के लिए किस किस मटेरियल की आवश्यकता होती है। इसके बाद लर्नर के साथ जाकर आप वो मटीरियल ढूंढें और बनाएं एक सुंदर, आरामदायक और मजबूत चिड़िया का घोंसला। क्या आप ये जानते हैं, कुछ पंछी ऐसे भी होते हैं जो अपना घोंसला नहीं बनाते हैं। जानकारी हासिल करिए ऐसे पक्षियों के बारे में। लेकिन एक ऐसे पक्षी का नाम हम लोग आपको बताते चलते हैं, वो है कुकू। और ऐसे रोमांचक एपिसोड्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ।